दविंदर सिंह बैनीपाल वालों बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना का हार्दिक स्वागत है। आप सभना नूं प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। दोस्तों जिहड़ियां अज खबरां मैं तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहा काफ़ी अहम खबरां ने। सब तो पहली ते वड्डी खबर यह है कि अमरीकी प्रशासन के वलों बीती 6 तरीक नूं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के बाबत एक आदेश जारी किया गया सी कि जिहड़े विद्यार्थी इंटरनेशनल ने भाव अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ने जिन्हां दीआं क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन चल रही ने उन्हां नूं मुल्क छड्ड के जाना पएगा। जिहड़े इंज नहीं करनगे उन्हां दे उत्ते कानूनी कार्रवाई होएगी। प्रैशर किधरों पिया, आखिरकार ट्रंप प्रशासन नूं यह फैसला क्यों बदलना पै गया, इहदी डिटेल दे विच गलबात करांगे। इहदे नाल नाल हाले एक खबर की स्याही नहीं सी सुकी कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप होरां ने वाइट हाउस से रोज़ गार्डन दे विच पत्रकार सम्मेलन दे विच इमीग्रेशन दे मुतालक एक नवे कानून की गलबात की है। वह कानून की है उहदी भी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनी है। इहदे नाल नाल बीते महीने 26 वर्षां का नौजवान प्रभजोत सिंह नागरा अमरीका कनेडा की सरहद ते उस बॉर्डर के उत्ते सब तो वड्डी ड्रग खेप दे नाल फड़िया गया सी। 20 मिलियन अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच उस ड्रग खेप की कीमत दसी गई सी। लगता सी जेकर वह दोषी पाया जाता तो अमरीका दे कानून दे हिसाब नाल उहनू 10 साल तो लैके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती सी, पर अचनचेत इस मामले दे विच एक नवा मोड़ आ गया। उहदे ते लगाए गए दोष चार्जस ड्रॉप कर दिते गए ने ते उस नूं हुण कैनेडा वापस भेज दिता गया। यह अपने आप दे विच इक अहम खबर है। यह होया किवें, यह साबित किया गया जां इसके पिछे कोई कारण होर सी कि यह दोषी नहीं। यह खबर बहुत मायने रखती है, खास करके ट्रकों वाले वीरां भैणां भरावां दे नाल। इहदे नाल नाल यह तुसीं बड़ी वारी सुनिया होना है, अगली खबर है जिहड़ी कि कई बार कुब्बे दे वज्जी लत लोट आ जाती है, जां आपां इह आख सकदे हां कि रब जदों दिंदा तां छत पाड़ के दिंदा ते जदों खोंदा तां थप्पड़ मार के खो लैंदा। अमरीका दे इक सूबे दे विच इस तरह ही होया। एक व्यक्ति लॉटरी खरीदण गया, उन्हें मंगी कि मैनूं इस लॉटरी की टिकट जिहड़ी $10 की सी उह दित्ती जावे, पर उत्थे लॉटरी देण वाले ने एक गलती कर दित्ती। जिहड़ी टिकट उहने मंगी नहीं सी टिकट उह दे दित्ती। बाद दे विच उह व्यक्ति कहिंदा कोई गल नहीं, जे तुसीं मैनूं इह टिकट दे दित्ती आ, हालांकि दुगनी कीमत दी सी, $20 की सी, चलो मैं यही रख लैना। हुण जदों किस्मत खुलनी हुंदी है उस लॉटरी दे विचों बंदा करोड़पति बन गया। हुण इह खबर भी अपने आप दे विच इक मायने रखदी है। इस तरह दीआं गलतियां सारे चाहांगे कि हुंदियां रहिण। हुण इहनां खबरां नूं तफसील दिंदे आ, विस्थार दिंदे आ, पर उहदे तों पहलां तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइआं विचों तहि दिलों धन्नवाद करदा आ कि बीते कुछ कु दिनां दे विच तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कीता ते गिणती 4000 तो वधा दित्ती है। तुहाडा सारिआं दा हत्थ जोड़ के मैं धन्नवाद भी करदा, बेनती भी करदा कि जेकर हाले तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तो जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर नप लैनी, अते जेकर प्रोग्राम चंगा लगता तो लाइक वाला बटन भी दबा देना ता कि तुहाडी फीडबैक मेरे तक सिद्ध मसिद्धी पुजदी रहे, ते मैं कोशिश भी करदा कि तुहाडियां टिप्पणियां दा जवाब भी दे सकां। ते आओ हुण खबरां नूं विस्थार देईए। बीती 6 तरीक नूं जदों ट्रंप प्रशासन ने एक आदेश जारी किया, 10 लाख तो वध अंतरराष्ट्री विद्यार्थी इस वक्त अमरीका विच है, उहनां दी घंडी दे विच जान आ गई, उहनां दे साह सुक गए, साह सुते गए। हुण जिहड़े जिहड़े मापिआं ने अपने पुत्तां नूं अपणियां धीआं नूं लखां रुपए $ खर्च के अमरीका दे विच चंगे भविख दे वास्ते, चंगी पढ़ाई दे वास्ते, तालीम दे वास्ते भेजिआ सी, उहनां दे वी साह सुते जाणे सी, सुभाविक सी, चिंता दीआं लकीरां गूढ़ियां होईआं होणगीआं, वड्डीआं होईआं होणगीआं। पर इह की होया, क्यों होया कि कल प्रशासन नूं अपने दित्ते आदेश वापस लैणे पै गए। इहदा मतलब इह नहीं होया कि प्रशासन दयाल हो गया, असल दे विच इहदे पिछे कई पहलू ने। एक पहलू तां इह सी कि बीते
कई दिनों तो राष्ट्रपति ट्रंप साहब लगभग सारे कॉलेजेस ते यूनिवर्सिटीज के उत्ते प्रैशर बिल्ड कर रहे थे कि दोबारा विद्यक संस्थावां अदारियां खोलिया जाए। उन्होंने लगता सी कि जेकर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के बाबत यह आदेश जारी कर दिता जाए कि इन्हों जेकर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना है तो अमरीका रह नहीं सकते, शायद उन्होंने लगता होना है कि जो इन्नी वड्डी गिणती विद्यार्थी अमरीका छड़ के जाएंगे, कॉलेजेस मजबूर होकर यूनिवर्सिटियां मजबूर होकर यूनिवर्सिटी कैंपस खोल लेंगे कि इन्हों देश निकाला ना दिता जाए, भाव इन्हों मुल्क दे विचों बाहर जान ना दिता जाए। तो दूसरी गल जिहड़ी सब तो वड्डी हुई है कि उत्थों दी संघी अदालत का दरवाजा एक नहीं बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां ने जिन्हां दे विच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, MIT यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स की, उन्होंने भी ये 17 स्टेटां अमरीका दे विच कुल 50 स्टेटां ने, 50 सूबे है, 50 दे विचों 17 इस आदेश की विरोधता कर रही सी। ये 17 सी, हो सकता आने वाले दिनों 27 37 या 47 भी हो जांदियां क्योंकि वड्डी गिणती विच प्रभावित होना सी सारे सूबियां ने। इहदे विचों 17 सूबे इहदे नाल नाल जिहड़ियां वड्डियां IT कंपनीज ने जिन्हां दा मैं जिक्र करना चाहुंदा, उहदे विच गूगल भी है, उहदे विच माइक्रोसॉफ्ट भी है, उहदे विच फेसबुक भी है, उहदे विच कई होर कंपनियां ने जिन्हां ने यह आख दिता सी कि असी इस आदेश की विरोधता कर रहे हां। जदों हुण वड्डे पद्धर ते इस आदेश की विरोधता होण लगी तां फिर होमलैंड सुरक्षा विभाग जिसनों DHS कहा जाता है जां फिर अमरीकी इमीग्रेशन ते कस्टम डिपार्टमेंट, उहनां दे उत्ते जदों प्रैशर बिल्ड होण लग्गिया क्योंकि बीते दिनी इन्हां जिहड़े विभागां ने ही यह आदेश जारी किया सी, उन्हां नूं यह आदेश वापस लैण वास्ते मजबूर होना पिया। इहदे विच जेकर भारतीय विद्यार्थियों की उचेचे तौर पर गल की जाए तो साल 2017-18 के दुनिया भर के लगभग 1 मिलियन तो वध इंटरनेशनल स्टूडेंट अमरीका दे विच पढ़न वास्ते आए, तो इस साल 2020 जनवरी महीने इकले भारत तो 194,556 भारतीय विद्यार्थी सी जिहड़े इस वक्त अमरीका के वक्खो वक्ख संस्थावां दे विच यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस ते प्राइवेट कॉलेजेस दे विच इस वक्त तालीम लै रहे ने। उन्हां वास्ते यह चंगी खबर है कि भावें हुण उह ऑनलाइन पढ़न भावें कैंपस दे विच जाके पढ़न, उन्हां नूं हुण उस आदेश का सामना नहीं करना पवेगा कि उन्हां नूं मुल्क छड के जाना पवेगा, क्योंकि इहदे नाल मुल्क की आर्थिकता भी वड्डे पद्धर ते जुड़ी रहिंदी है। कितें उह रहिंदे होणगे, रेंट दिंदे ने, कुछ खांदे होणगे, कुछ कपड़े पहनण वास्ते खरीददे होणगे। सो सारिया पक्षां नूं ध्यान विच रखदिआं आखिरकार उह फैसला बदलना पै गया। तो हुण जदों यह फैसला हले बदले ही सी, इहदे तो कुछ पलां बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप साहब वाइट हाउस के रोज़ गार्डन दे विच एक पत्रकार सम्मेलन नूं संबोधन हो रहे सन। उन्होंने आख्या कि मैं एक नवें इमीग्रेशन कानून ते बड़ी जल्द दस्तखत करन जा रहा, उस कानून दे नाल अमरीका दे विच जिहड़े पढ़े लिखे लोग ने मैरिट दे आधार ते योग्यता दे आधार ते उन्हां दा आउणा सुखाला हो जाएगा। हाले उन्होंने इसकी डिटेल तो बहुती नहीं दित्ती, पर उन्होंने ये दस्या कि जिहड़े रिपब्लिकन रूढ़ीवादी लोग ने जिहड़े बहुते इमीग्रेशन की विरोधता करते हैं, पर जेकर यह कानून मैं बना दिता इहदे ते आउण वाले दिनां विच दस्तखत कर दिते, वह रिपब्लिकन रूढ़ीवादी लोग भी इस इमीग्रेशन कानून की प्रोड़ता करनगे, भाव वह भी इसकी विरोधता नहीं करनगे। ये कानून है DACA डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स। वो कहते मैं ये कानून लिया जा रहा इमीग्रेशन दे विच एक नवी नीति होएगी जिस के अधीन मैरिट के आधार पर योग्यता के आधार पर अमरीका विच लोगों का आना सुखाला हो जाएगा। यह गल कहते अपने विरोधियों से निशाना विरना वो भुले नहीं। वो कहते डेमोक्रेट्स के हाथ में भी पहला राज भाग रहा है, उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिता। हुण तुहानू पता है कि नवंबर महीने अमरीका दे विच राष्ट्रपति दीआं चोणां होणीआं ने, चोणां तो पहलां दोवें पार्टियां हर हीला वसीला वरत रहीआं ने कि किसी ना किसी तरीके वोटरां नूं प्रभावित किया जा सके। हुण चोणां जितदे ने जां चोणां हारदे ने इह तां अमरीका दे वोटरां ने देखणा कि वोट उह डेमोक्रेट्स नूं पाउंदे ने जां राष्ट्रपति ट्रंप साहब की पार्टी रिपब्लिकन नूं पाउंदे ने। पर यह गल मननी पऊ कि पत्रकार ने जदों ये नीति दे बाबत उन्होंने उत्थे अनाउंसमेंट की, उन्होंने पूछा
कि की राष्ट्रपति साहब ये दस सकते हो कि तुहानू हुण लगता है कि इस बार मैं वोटां जां चोणां जित्तांगा नहीं, इस करके तो नहीं इस तरह दीयां नीतियां जिस दी तुसीं पहला विरोधता करते रहे हो इमीग्रेशन की, आ एक नवी इमीग्रेशन नीति दे बाबत तुसीं दस रहे हो कि मैं नवा कानून लियाउण जा रहा ता कि लोग अमरीका विच आ सकन। वो कहिंदे मैनू लगता ही नहीं कि मेरे मुकाबले दे विच कोई है, मैं चोणां जित्तांगा। हुण उह जित्तदे ने हारदे ने ये नवंबर महीने दी चोणां तों बाद पता लगेगा। अगली जिहड़ी खबर है वह बहुत अहम खबर है। 26 वरिया का नौजवान प्रभजोत सिंह नागरा ब्रैम्पटन उस इलाके का रहने वाला ओंटेरियो सूबे का रहने वाला ट्रक ड्राइवर है। बहुत सारे साडे भैन वीर ने जिहड़े अमरीका तो कनेडा कनेडा तो अमरीका ट्रकां की ढोआ ढुआई ट्रक चलाउंदे आ समान की ढोआ ढुआई करते हैं, पर पहला भी इस तरह दीयां बहुत खबरां आउंदियां रहियां कि सरहद दे उत्ते उन्हां दे ट्रकां दे विच्चों गैर कानूनी पदार्थ मिलते रहे, कदे भंग मिल गई, कदे कोकेन मिल गई, कदे हैरोइन मिल गई। पर बहुती वारी हुंदा सी कि ट्रक ड्राइवर कहिंदे कि सानूं तां इलम तक नहीं, सानूं तां पता तक नहीं, पर यह बॉर्डर वाले कस्टम विभाग वाले वो कहिंदे वी जिहदे कोलों चोरी दा समान फड़िया गया गैर कानूनी समान फड़िया गया चोर उही है। असल दे विच अज तक हुंदा वी इयां आ। बहुत सारे लोग कहिंदे वी रहे कि सानूं इस गल दा पता नहीं, इलम नहीं। हुण इह जिहड़ा व्यक्ति फड़िया इस ते ट्रक दे विच्चों वड्डी मात्रा दे विच भंग मैरिजुआना लद्दिया होया सी। हुण इहदी 9000 पाउंड इस दा वजन दस्सिया जा रहा है, जेकर किलोआं दे विच लाईए तां लगभग 4300 किलोग्राम बणदा है। हुण कहिंदे बहुत सुचज्जे तरीके नाल इहनूं ढकिया होया सी, 55 स्टोरेज करके कंटेनर सी जिन्हां दे विच इह भंग रखी हुई सी, 85 सील्ड पैकेज सी अगे जिन्हां दे विच इह बंद करके रखी हुई सी। जदों एक्सरे दे विच्चों ट्रक ट्रेलर लगाया गया उदों पता लग्या कि इहदे विच कुछ ना कुछ कम है, गड़बड़ है। प्रभजोत नागरा नूं हिरासत विच लै लिया गया। नॉर्दर्न बॉर्डर दे उत्ते दस्या जा रहा कि अज तक दी इह सब तों वड्डी ड्रग खेप सी, उहनूं गिरफ्तार किया गया। तो यह जिहड़ा मामला वापरिया सी बीते महीने वापरिया, तो उहदे तों बाद उह अमरीका दी पुलिस हिरासत में चलिया आ रहा है। पर हुण अमरीका के अटॉर्नी ने उसनू छड्डण दे उहदे ते जिहड़े दोष आयद किए गए सी सारे दे सारे ड्रॉप कर दिते है, तो हुण उसनू वापस अपने वतन भाव कनेडा भेजा जा रहा। उहदा कारण उन्होंने ये दस्सिया है कि इस मामले की असी डूंघाई नाल जांच पड़ताल करनी चाहते हैं कि किते प्रभजोत नागरा बेकसूरी ना मारिया जाए। वो कहिंदे असी जानना चाहते हैं कि यह ड्रग कित्थों चली, कित्थे चली सी, कित्थों तुरी सी, किहदे कोल जा रही सी, कौन इसनों मंगवा रहा सी। यह सारियां तारां यह सारियां कड़ियां असी आपस दे विच जोड़ रहे हैं। असी इस मामले की ऐन तह तक जाना चाहते हैं, इस करके इस वक्त असी प्रभजोत नागरा ते सारे लगाए चार्जस ड्रॉप कर रहे हैं, सारे दोष वापस लै लए गए हैं। हो सकता कि आने वाले दिनों दे विच इस मामले दीयां तारां किसी होर व्यक्ति नाल जुड़न। जेकर इस लड़का जिहड़ा 26 वरिया का गिरफ़्तार किया गया सी इहदे ते दोष सिद्ध हो जाते तां इहनूं 10 साल घट तो घट अते वध तो वध उम्र कैद की सज़ा हो सकती सी, भाव सारी जिंदगी खराब सी, बर्बाद सी। हुण हो सकता कि यह व्यक्ति बेकसूरी होवे, पहलां भी बहुत सारे लोग फड़े गए ने वह बेकसूर दसदे सी, पर पुलिस वालियां ने बहुली बारी उन्हां दी सुनी ना। पर यह चंगा होया कि यह अपने आप नूं डिफेंड भी कर सकेगा। पर एक अपील मैं जरूर करनी चाहुंदा कि जेकर तुसीं ट्रक चलाउंदे हो तुहाडे जिहड़े कम ने बहुत सख्त ने, बहुत सख्त कमाइयां ने तुहाडियां, जेकर तुहानूं कोई व्यक्ति लालच दिंदा वी है कि एक चक्कर ला दिओ $50,000 आ $1,00,000 आ $10,000 आ $20,000 देखियो कितें इस कम दे मूँह ना लग्गिओ। तुसीं लालचवस आ के एक ट्रिप जां एक वार एक चक्कर लंघाउण दी कोशिश करदे जेकर फड़े गए तुहाडी जिंदगी सलाखां दे पिछे जेड़ दे विच रहि जाणी है, ते तुहाडे परिवार दे जी पिछे विलकदे रहि जाणे है। इंज ना करिओ। जदों इस तरह कोई एक अद्धा ट्रक फड़िया भी जांदा भावें कसूरवार कोई भी होवे उहदे तों बाद बाकी ट्रकां वालियां नूं जिथे अद्धे पौने घंटे दे विच ट्रक ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती है, चार चार पांच पांच घंटे फिर उन्हां नूं सरहद दे उत्ते खज्जल खुआर होना पैंदा। भावें मार्च महीने तो कनेडा अमरीका की जिहड़ी गैर जरूरी आवाजाई वास्ते बॉर्डर नूं सरहद नूं बंद किया होया, पर वीरो तुहाडे वास्ते कोई पाबंदी नहीं,
तुहाडे वास्ते कोई सैल्फ आइसोलेशन वाली भी नहीं, तुहाडे वास्ते क्वारंटीन का सिद्धांत भी नहीं, क्योंकि तुहानूं जरूरी आवाजाई दे विच उन्होंने कंसिडर किया तुसी फ्रंट लाइन रहो, जिथे तुहानूं सल्यूट करना बनता है उत्थे इस तरह जेकर तुहानूं कोई लोभ कोई लालच दिंदा उहनूं हथ जोड़ दिया करो कि असीं इह काम नहीं करना चाहुंदे। साढ़े वास्ते दसां नौहां की हक की कमाई बहुत मायने रखती है। हुण अगली ते आखिरी खबर, एक व्यक्ति डेट्रोइट दे विच अमरीका की यह स्टेट है उत्थे लॉटरी खरीदन गया। लॉटरी आम तौर पर तुसीं वेख्या होना कि इन्हां मुल्कां विच कन्वीनियंस स्टोर से जां किसी कॉर्नर स्टोर से जां किसी गैस स्टेशन से जिसनों आपां पंजाब पेट्रोल पंप कह दिंदे आ उहदे तों लॉटरियां मिल जांदियां ने। जदों लॉटरी खरीदन गया उस व्यक्ति ने लॉटरी खरीदनी सी जिहड़ा सी लक्की सैवन कोई लॉटरी उत्थे अमरीका की, दसां डॉलरां दी उस लॉटरी का टिकट है। लक्की सैवन की टिकट मंगी, पर हुण जिहड़ा उस वक्त काम कर रहा कर्मचारी सी कलर्क सी उस व्यक्ति ने गलती नाल 20 डॉलरां दी टिकट, पर वह लक्की सैवन है नहीं सी, होर दे दित्ती। हुण जदों टिकट पाड़ के उसनू फड़ा दित्ती गई, उसने टिकट फड़ के देखी, उह कहिंदा यार इह मैं टिकट तुहाडे तों लॉटरी मंगी नहीं, पर चलो खैर कोई नहीं, जे तुसीं गलती नाल मैनूं हुण इह लॉटरी दी टिकट दे दित्ती है मैं इहदे नाल ही गुजारा कर रहा। उस व्यक्ति ने जदों उस टिकट नूं स्क्रैच करके देखिया, खुरच के देखिया, खुशी की कोई हद ना रही। वह गलती नाल खरीदी टिकट जां गलती नाल मिली टिकट, गलती भावें गैस स्टेशन ते काम करन वाले कामे नहीं सी, उही गल के कुब्बे दे वजी लत सूत आ गई, लोट आ गई, उहदे चों 2 मिलियन डॉलर का जैकपॉट उसका लग गया, मिलनियर बंदा बन गया। गलती किसी की रास किसी दी आई है। सो इस करके कई बारी गलतियां भी सानू स्वीकार कर लेनियां चाहीदियां ने, पर जे गलती हो जाए मन्नण विच भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिदा। इह सन दोस्तों अज कुछ दियां अज कुछ खबरां जिहड़ियां तुहाडे रूबरू कीतियां ने, तुहानू चंगीआं लगीआं उम्मीद कर रहे हैं। फिर लाइक वाला बटन तुसीं जरूर दबा दिओगे, जेकर चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सबसक्राइब करोगे, तो वीडियो अगे शेयर करने की कोशिश भी जरूर करनी, तुहाडा दिलों धन्नवादी होवांगा। हुण दविंदर सिंह बैनीपाल आ गया दिओ, सत श्री अकाल, तेरा रखा।